अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड शेंजी को देखते हैं, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और कहती है ये है हुओ फैमिली का वारिस और मेरा हस्बैंड मिस्टर हुओ तिंगजुन। दिखने में काफी हैंडसम है, फिगर भी अच्छी है, पर अफसोस एक्सीडेंट की वजह से इसका लोअर बॉडी पार्ट डैमेज हो गया। अच्छा वो मैंने इसे एक साल के लिए शादी की है, उसके बाद मैं आजाद घूमूंगी। वो काफी थक गई थी तो कपड़े निकालकर शॉवर लेने चाहती है, बट मिस्टर हुओ हिल रहा था। जैसे वो अंदर से नहाकर आती है, पूछता है कौन हो तुम, बाहर निकलो। शेंजी कहती है तुम्हें होश आ गया और मुझे ऐसे देख रहे हो, शर्म नहीं है बिल्कुल भी, और वापस वॉशरूम में भाग जाती है। मिस्टर हुओ हिलने की कोशिश कर रहा था पर वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था, तो कहती है ज्यादा हिलो मत, अभी नीचे की चोटें ठीक नहीं हुई हैं, वरना मुझे दोबारा मेडिसिन लगानी पड़ेगी। मिस्टर हुओ कहता है बाहर निकलो, तो कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हो, और मेरा नाम है शेंजी और मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ। मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की, अगर तुमने मेरी ग्रैंडमा को न बचाया होता तो मैं तुम्हें रिपे भी नहीं करती, मैं तो बस तुम्हें रिपे करने आई हूँ। वरना तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कि मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी, भले ही मैं गांव से हूँ पर मेरी भी कोई इज्जत है। बट वो सामान फेंक के मारता है कि तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। शेंजी कहती है मैं लायक नहीं हूँ और तुम्हारा तो सिस्टम ही खराब है, फिर भी शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। मिस्टर कहता है बॉडीगार्ड्स आकर इसे बाहर निकालो, बट वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है कि चिल्ला मत और उसे मार के बेहोश कर देती है। मैंने तो आसान भाषा में समझाया था, नहीं सुनेगा तो पिटेगा ही। मॉर्निंग में मेड्स बातें करती आ रही थी कि हमने सुना है मिस्टर वो बिल्कुल ठीक हो गए, तब वो गांव की लड़की तो मिस्टर वो की वाइफ बनने के लायक ही नहीं है, सुना है वो लड़की तो सिर्फ 18 इयर्स की है और स्कूल से पास आउट है। और फिर शनी को आवाज मारने लगती है यंग लेडी आपसे याओ और मिस पाए मिलने आई है। शनी सोचती है सुना है मिस पाए मिस्टर वो की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तो कहती है आने दो ने। उसके आते ही याओ कहती है तू खुद को क्या फीनिक्स समझती है जो हमसे इतना वेट करवाया, अगर मिस्टर वो पहले ठीक हो गया होता तो वो तुझ जैसी गांव की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करता, तो मैं तुझे एडवाइस देती हूँ अभी के अभी ब्रदर हुओ को डाइवोर्स देकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि सिर्फ मिस पाए ही ब्रदर हुओ की वाइफ बनने के लायक है। शैनी कहती है ये सुबह सुबह जंगली डक कहाँ से आ गई, चबड़ चबड़ करे जा रही है। याओ कहती है जंगली डक किसे बोला, शैनी कहती है जो आंसर दे रही है वही। याओ गुस्से से मारने वाली थी पर मिस पाए रोक देती और कहती है शैनजी अच्छा होगा तुम याओ से माफी मांग लो। शैनजी कहती है पहले तो मुझे यंग लेडी बोलो और दूसरी बात क्योंकि मैं मिस्टर हुओ की वाइफ हूँ, पर अगर मैं मिस्टर हुओ से बोर हो गई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, आखिर तुम्हें सेकंड हैंड चीज तो चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर हुओ आता है तो याओ से शिकायत करने लग जाती है ब्रदर देखो ना ये विलेज गर्ल मुझे और मिस पाए को परेशान कर रही है, बट मिस्टर हुओ तो उसे देखते रह गया था और सोचता है मैंने नहीं सोचा था ये लिटिल गर्ल इतनी प्रिटी है। मिस पाए उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो हाथ छुड़ा लेता है यहाँ क्यों आई हो, तो वो कहती है सॉरी मैं फौरन चली गई थी ना, मुझे नहीं पता था तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। दोबारा से उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट शैनी उसे धक्का मार के कहती है तुम मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही हो, यहाँ क्या मिस्ट्रेस बनने आई हो, और मिस पाए को मिस्टर हुओ को हाथ नहीं पकड़ने देती। याओ कहती है मिस पाए मिस्टर हुओ को बहुत लव करती है, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, और उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर शैनी उसे लात मार के नीचे गिर देती है। याओ कहती है ब्रदर तुम इसके मारो, इसने मेरे मारा। शैनी कहती है अभी क्या तुम मेरे जैसे वीक और लिटिल वाइफ को मारोगे। मिस्टर हुओ सोचता है अभी जैसे तुमने लात मारी थी उससे तो नहीं लगता तुम इतनी वीक होगी, पर कहता है तुम लोगों ने इसे सताया क्यों था, तुम लोग निकलो यहाँ से। मिस बाय रोने लग जाती है तो मिस्टर हुओ कहता है ओके मैं तुम लोग को छोड़ आता हूँ। शैनी कहती है अगर तूने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं तुझे बैंकक्रप्ट कर दूंगी। मिस बाय उसका हाथ पकड़ रही थी बट वो छुड़ाकर कहता है दोबारा से कभी मेरे घर मत आना और ना ही मेरी वाइफ को परेशान करना। मिस बाय कहती है मुझे पता तुम मुझे लाइक करते हो, उस गांव की लड़की को नहीं। मिस्टर हुओ कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, पिछली बार मैंने तुम्हें अपने घर पिछले रुकने दिया था क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई थी और कुछ नहीं। और याओ और मिस बाय को रास्ते में छोड़ जाता है। शैनी बार में आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है मैंने सुना तूने शादी कर ली, तूने मुझे कुछ बताया नहीं, मैं कितना परेशान थी। शैनी कहती है चिंता मत कर मेरा फायदा है इसमें, एक साल बाद मैं रिहा हो जाऊंगी। फ्रेंड कहती है सही है, मैंने सुना है जिससे तेरी शादी हुई है वो वेजिटेटिव स्टेट में है और वो कभी उठ नहीं सकता। शैनी कहती है किसने कहा उठ नहीं सकता, वो वेडिंग नाइट पे उठ गया था। फ्रेंड
कहती है, क्या फिर तो तुम दोनों में वो सब? टैनी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुझे बताती हूँ। और धीरे से उसके कान में कहती है, क्योंकि उसका सिस्टम खराब है। फ्रेंड कहती है, अच्छा हुआ, वरना मैं तेरे लिए कितना परेशान होती। टैनी कहती है, चल मजे करते हैं, और अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है। ट्रीट मेरी तरफ से। इधर मिस्ट्री देखता है कि उसके अकाउंट में से धड़ाधड़ पैसे कट रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड को बताता है। फ्रेंड हंसने लगा था कि तेरी वाइफ तो बड़ी कमाल की है। तभी मिस्टर वो को फिर से शैनी के बारे में याद आने लगता है, तो फोन करके अपना क्रेडिट कार्ड स्टॉप करवा देता है। इधर वैनिंग बार में सब लोगों को बोल रही थी, तुम सबको आज मैड रेट दूंगी। फ्रेंड कहती है, तू अपने हस्बैंड के इतने पैसे खराब कर रही है। शैनी कहती है, वो किसी और काम तो आ नहीं सकता, तो इसी काम आएगा ना। और फिर दोनों नाचने लगती हैं। मिस्टर वो भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आता है। फ्रेंड कहता है, वो लड़की तो मेरे टाइप की और जाने लगा था, बट मिस्टर उसे रोक देता है। तभी वो देखता है कि कोई शैनी को पकड़ के ले गया। इधर मिस पाय फोन पे कहती है, उसे किडनैप कर लिया ना, अब भेज दो, दोबारा कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, मुझसे पंगा लेगी तो मरेगी। दो गुंडे टल्ली शैनी को पकड़ के लेके जा रहे थे, बट शैनी एक बार में दोनों को धो डालती है। गुंडे हैरान, तो कहती है, सॉरी, मैं तो बचपन से बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे टच करोगे तो धुलोगे। पर तभी वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं, और उनके साथ उनका बॉस भी था, ब्रदर फे। गुंडे कहते हैं, लड़की तो दिखने में सुंदर है, मारने से पहले इसके साथ मजे ले लेंगे पहले। पर जैसे ब्रदर फे उसे देखता है, बिग बॉस तुम, और अपने गुंडों को डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पकड़ने की। बिग बॉस, अगर मुझे पहले पता होता कि आप हो तो तुम ऐसी गलती कभी नहीं करता। टैनी कहती है, अच्छा तो फे ये तुम्हारा काम है। वो कहता है, सॉरी बिग बॉस, मेरी गलती हो गई, मैं ऐसा वाला टास्क लेता ही नहीं, क्यों ना तुम्हें ट्रीट दूं। चैनी जब मिस्टर वो को आते देखती है, तो कहती है, फे जल्दी से मुझे पकड़ो। ब्रदर फे कहता है, बिग बॉस प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझ में कहां इतनी हिम्मत है। चैनी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ, वो जो सामने मिस्टर वो आ रहा है ना, मुझे पकड़ ले और उससे 500 मिलियन मांगना मेरे बदले, हम दोनों आधा तो बांट लेंगे। और उसे खींच के जबरदस्ती खुद को पकड़ा देती है, और फिर चिल्लाने लगी थी, हबी प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर वो कहता है, अबे गुंडे छोड़े से, बट शैनी फे को इशारा कर रही थी। तो वो कहता है, अगर इसे बचाना है तो 5 बिलियन दे दो, पैसे लेते मैं वापस कर दूंगा। और शैनी को छोड़ने लगा था, बट वो जानबूझ के उसे खुद को कस के पकड़वा लेती है। उसे दर्द में देख मिस्टर हुआ कहता है, ओके मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। मिस्टर हुआ का फ्रेंड कहता है, तू तो बोल रहा था कि तू इसे लव नहीं करता। बट मिस्टर फे एकदम से फे को 5 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो उसके कान में कहता है, बिग बॉस पैसे मिल गए, और वहां से चलता बनता है। शैनी कहती है, अभी उसने मेरा पर्स भी चुरा लिया और मेरा कार्ड भी ले लिया, मैंने जो 10 डायमंड नेकलेस लिए थे वो भी सब चोरी हो गए, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम पहले आ जाते तो ऐसा नहीं होता। मिस्टर वो कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो कहती है, देख लेना, बाद में मुकरना मत, देख लो फ्रेंड भी है गवाही के लिए। तो मिस्टर वो उसे पकड़ के ले जाता है और अंदर ला के कहता है, ये तुमने पहन के रखा है, मेरी वाइफ को ऐसे कपड़े पहन के बाहर में आओगी तो किडनैप ही होगा ना। बट शैनी ड्रिंक करने लगी थी, तो छीन कर कहता है, ऊपर से मेरे सामने ड्रिंक कर रही हो, मैंने तुम्हारे ऊपर 5 बिलियन खर्च किए हैं, अब जरा उसका भी हिसाब किताब कर ले। टैनी कहती है, पागल हो गया क्या, भेजे में घूसा भरा है क्या, जब तुम वेजिटेटिव स्टेट में थे मैंने तब भी तुमसे शादी कर ली, एक बार भी नहीं सोचा, क्या तुम्हारे 5 बिलियन मेरे सैक्रिफाइस से ज्यादा है। मिस्टर वो कहता है, तुम्हें मेरे 5 बिलियन थोड़े से लगते हैं। वो कहती है, और नहीं तो क्या, 5 बिलियन कौन से ज्यादा होते हैं। और सोचती है, अगर मैं तुम्हारे साथ ना होती तो मुझे कितने ऑर्डर मिल गए होते, और मैं अब तक कितने बिलियंस कमा चुकी होती। मिस्टर वो कहता है, तुम घर जाओ। तो फ्रेंड को बाय करते हुए भाग जाती है। मिस्टर वो कहता है, पता नहीं इस लड़की में कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। चैनी वहाँ से जा रही थी, तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो सोचती है, ये तो फी के आदमी नहीं है, तुम लोगों को क्या चाहिए। गुंडा कहता है, तूने हमारा रास्ता घेरा है और दिखने में भी काफी सुंदर है। चैनी कहती है, तुम लोगों का फायदा इसी में है, बता दो मुझे तुम लोगों को किसने भेजा है। गुंडा कहता है, तू मुझे धमकी देगी अब देखिए। वहीं पर याओ और मिसपाई भी आ गए थे। मिसपाई कहती है याओ से, जब अपने ब्रदर हुओ को बुला ला। गुंडा उसे हाथ लगाने वाला था, बट वो हाथ मोड़ के उसका पैर तोड़ देती है। इधर याओ कर मिस्टर हुओ से कहती है, ब्रदर उस विलेज गर्ल ने गुंडों से पंगा ले लिया है, मिसपाई भी वहीं पे है, प्लीज जाकर उसे बचा लो। मिस्टर हुओ जल्दी से बाहर आता है, पर देखता है शैनी ने सब गुंडों को धो डाला था और उनके ऊपर चढ़ के बैठी है। मिस्टर हुओ हैरान। फ्रेंड कहता है, तेरी लिटिल वाइफ तो बहुत स्ट्रांग है बे। मिसपाई नाटक करने लग जाती है, ये कितनी डेंजरस है, ये मुझे मारने वाली थी, प्लीज मेरी हेल्प करो। बट वो हाथ छुड़ाकर शैनी से जाकर कहता है, उठो, पर वो मना कर देती है। याओ कहती है, इसने ब्रदर की बात को मना किया, अब तो ये इसे पक्का सबक सिखाएगा। तो मिस्टर वो गुस्से से शैनी को कंधे पर टांग लेता है और उसकी बमटी पे मार के उसे ले जाता है। तो वो सब हैरान। फ्रेंड कहता है, इनका मामला तो सॉल्व हो गया। याओ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है,
ब्रदर हुआ तो कभी किसी लड़की को टच भी नहीं करता और इसे तो पनिश भी नहीं किया। इधर मिस्टर हुआ शनजी को लाकर बेड पे पटक के मारता है। वो कहती है तुम पागल हो गए हो, मैंने बस तुमसे 1 ईयर का शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। बट मिस्टर हुआ उसके बहुत सारे कपड़े लेके आता है। वो कहती है मेरे कपड़े को फेंक रहे हो, तो कहता है ये कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते, फेंक दो इन्हें। शनजी कहती है अब जब हम दोनों में इतना जनरेशन गैप है, मैं इतनी जवान हूँ और तुम बुढ़े, तो तुम्हें तो मेरे मॉडर्न कपड़े पसंद आएंगे ही नहीं। मिस्टर कहता है तुम मुझे बुढ़ा होने पे नफरत करती हो, मैं कौन सा बुढ़ा हूँ? तो कहती है हाँ क्योंकि मैं तुमसे 8 साल छोटी हूँ, मैं यंग और ब्यूटीफुल हूँ, इसलिए तुम मुझ पर ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हो ना, पर मैं बोल देती हूँ तुम मेरे लायक नहीं हो। मिस्टर कहता है तुम भी ज्यादा मत उछलो, अगर ग्रैंडपा ने कुछ कहते तो मैं कब का तुम्हें डाइवोर्स दे चुका होता, पर अब तुम मिसेज हुआ हो इसलिए ऐसे कटे फटे कपड़े नहीं पहनोगी। शनी कहती है इस बात के लिए तो मैं कभी हानि करूंगी, बताओ तुम क्या कर लोगे। मिस्टर कहता है तुम्हें चाहिए क्या? तो कहती है ओके चलो एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुम्हारी बात मानूंगी पर बदले में 1 साल के लिए तुम भी मुझ पे चेट नहीं कर सकते, पर 1 साल बाद डाइवोर्स कर लेंगे, तुम मुझे पैसे दे देना और हम अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। मिस्टर कहता है तो तुमने ये सब पैसों के लिए किया है, और ओके बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे शनी बड़े मजे से लेटी पड़ी थी, तभी वहाँ पर याओ मिस पाई को लेकर आती और कहती है तू कैसे मजे से मिस्टर हुआ के पैसे उड़ाती फिर रही है, जबकि ब्रदर हुआ और मिस पाई एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। शनी कहती है पहली बात तो मेरे हस्बैंड के पैसे मैं जितने मर्जी खर्च करूं, और दूसरी बात अगर मिस पाई मिस्टर हुआ से इतना लव करती है तो जब कार एक्सीडेंट के बाद वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था तब उससे शादी क्यों नहीं की। याओ सोचती है बात तो सच है, जब तुम इतना लाइक करती हो तो तब शादी क्यों नहीं की। मिस पाई कहती है मेरा यकीन करो, मैं उस टाइम फॉरेन में थी ना, जब वापस आई तब ये शनजी मिस्टर हुआ से शादी कर चुकी थी। याओ कहती है तू मेरी और मिस पाई की लड़ाई कराना चाहती है, निकल यहाँ से। शनजी हंस रही थी, वो पूछती हंस क्यों रही है, तो कहती है मैं तेरे स्टूपिड होने पे हंस रही हूँ, तुझे पता भी नहीं है कि मिस पाई तेरा यूज कर रही है बस। मिस पाई उसका हाथ पकड़ कहती है मेरी यकीन करो, मैं और मिस्टर हुआ एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। याओ कहती है और क्या, तू कहाँ गाँव की लड़की और मिस पाई फॉरन से पड़ी हुई, मुझे तो लगता है तू कभी स्कूल भी नहीं गई होगी, तेरे पास क्या है। शनजी कहती है मेरे पास मेरे हस्बैंड का सारा प्यार है। याओ कहती है मिस्टर हुआ सिर्फ मिस पाई को लाइक करता है। शनजी कहती है तेरा ब्रदर आ गया है, पूछ ले उससे जाके वो किसे लाइक करता है। मिस्टर हुआ कहता तुम यहाँ क्यों आई हो। याओ कहती है हमने सुना इसका किडनैप हो गया, हम तो इसका हालचाल पूछने आए थे पर इसने तो मिस पाई को रुला दिया। मिस्टर हुआ कहता तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती। शनजी कहती है अभी ये मुझे बोल रही थी कि मैं मिस्ट्रेस हूँ क्योंकि तुम मिस पाई को लाइक करते हो, क्या मैं मिस्ट्रेस हूँ। मिस्टर कहता है नहीं। शनजी कहती ये बोल रहे थे कि मैं गांव की अनपढ़ गवार लड़की हूँ, तुम्हारे जैसे रिच और पढ़े लिखे के लायक नहीं हूँ, यह सच है। मिस्टर कहता है ये सच नहीं है। शनजी कहती है अभी ये भी बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारे 5 बिलियन वेस्ट करा दिए, क्या मैंने सच में वेस्ट कराए। मिस्टर कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, जो सब मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। शनजी कहती है अभी तुम तो बहुत काइंड हो। शनजी कहती है अभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे गोद में उठाकर ले चलो ना, तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है जबकि मिस पाई की जल रही थी। मिस्टर शनजी को अंदर लेके आता है तो एकदम सुतर के कहती है तुमने अच्छा परफॉर्म किया, अब मेरा रास्ता क्यों घेर के खड़े हो। वो कहता है तुम उस मिस पाई से मत उलझा करो। शनजी कहती है मैं उसे नहीं उलझती, तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ही मुझसे पंगा लेने आती है। मिस्टर कहता है वो मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं है, और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम जेलस हो रही हो। शनजी कहती है तुम में शर्म नाम की चीज है नहीं है, मैं इतने हैंडसम लड़कों को छोड़ के तुम जैसे बुढ़े को चूज करूंगी। पर वो पीछे होते हुए गिरने वाली थी तो मिस्टर उसे पकड़ के बचा लेता है, बट वो दोनों बहुत करीब हो गए थे तो देखने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो कहती है मुझे पकड़ क्यों रखा है, छोड़ो मुझे। मिस्टर कहता है अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो मेरे करीब होकर इतने नर्वस क्यों हो रही हो। वो उसे पीछे से टच करने लगा था तो हाथ हटाकर कहती है अगर दोबारा मुझे यहाँ टच किया ना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, और उसे धक्का मार के चली जाती है। मिस्टर कहता है इसके साथ लड़ने में भी कितना मजा आता है। फिर शनजी को फोन आता है कि नया ऑर्डर मिला है, 10 टाइम्स मिलेंगे बिग बॉस, क्या आप इंटरेस्टेड हो। बट शनजी अपनी आवाज एक लड़के की आवाज में बदल कर बोल रही थी नहीं मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मुझे कॉलेज जाना है। उधर से आवाज आती है बिग बॉस किस कॉलेज की इतनी हिम्मत होगी जो आपके जैसे टैलेंटेड को हायर करना चाहेगा। इधर मिस्टर घर पे देखता है कि शनजी कहीं भी नहीं है तो कहता है पता नहीं अब कहां बवाल करने गई है। शनजी एक बैंक के मैनेजर से मिलने आती है पर वहां पर ऑलरेडी मिस पाई और याओ बैठी थी। याओ कहती है तू जैसे गांव की लड़की मैनेजर के ऑफिस में क्या कर रही है, यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जिनकी मिलियंस बिलियंस में प्रॉपर्टी हो। मिस पाई कहती है यहाँ सिर्फ गोल्ड कार्ड के साथ एंट्री मिलती है। याओ कहती है
इसे तो गोल्ड कार्ड के बारे में पता भी नहीं होगा। मिस पाय कहती, कोई बात नहीं बेचारी, विलेज गर्ल है ना, मैनेजर आएगी तो हम बोल देंगे कि हम इसे अपने साथ लेके आए हैं। तभी मैनेजर आती है तो मिस पाय उससे बात करने लगी थी, बट मैनेजर मिस पाय की बात सुने बिना शनजी से बात करने लगी थी। या और मिस पाय कहती है, तुम गलत समझ रही हो, बाय फैमिली की बेटी मिस पाय मैं हूँ और ये लड़की तो बस मामूली सी विलेज गर्ल है। शनी मैनेजर से कहती है, क्या तुम सच में गलत समझ रही हो? तो मैनेजर कहती है, मिस शनी, मैं इस मिस पाय को नहीं जानती, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे वीआईपी कस्टमर से ऐसे बात करने की? वो लोग हैरान। शनी कहती है, देखा मैनेजर ने बोल दिया, वो तुम्हें नहीं जानती, तो तुम ये अपने उल्टे सीधे काम छोड़ दो वरना मैं पूरी कंट्री में से बाय फैमिली को गायब कर दूंगी। और फिर मैनेजर उसे वीआईपी रूम में ले जाती है। याओ कहती है, इस विलेज गर्ल की इतनी हिम्मत, हमें धमकी देगी, और ऊपर से इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? मिस पाय कहती है, तुझे पता है ना इसकी मिस्टर हुओ से शादी हुई है। याओ कहती है, पर ब्रदर हुआ तो उसे लाइक भी नहीं करता, तो वो उसे कभी पैसे नहीं देगा, तो शनी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? मिस पाय कहती है, भले वो विलेज गर्ल है पर दिखने में थोड़ी सुंदर है, जरूर उसका बाहर बहुत लड़कों के साथ अफेयर होगा, वहीं से पैसे कमाती होगी। याओ कहती है, जाने में ब्रदर हुओ को धोखा दे रही है, मैं अभी उसे फोन करके बताती हूँ। इधर शनी जाती हुई देखती है रास्ते में एक ओल्ड लेडी की तबीयत खराब है, वो चेकअप करने लगती है और फिर उन्हें मेडिसिन खिलाने लगती है। तभी उसे फोन आता है मिस्टर हुओ का, जो बताता है कि मेरी ग्रैंडमा फॉरेन से आ गई है, उसे मिलने चलना है। वो फोन काट देती है, ओल्ड लेडी की तबीयत ठीक हो गई थी तो उसका नाम पूछने लग गई थी। इससे पहले वो कुछ बताती, मिस्टर हुओ से आवाज लगाने लगा था, तो वो जाने से पहले उन्हें मेडिसिन दे जाती है, आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगी, और वहां से चली जाती है। मिस्टर की कार में बैठ कहती है, तुमने तो बोला तुम फ्री नहीं हो, तो मुझे खुद लेने क्यों आए हो? मिस्टर कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मेरी ग्रैंडमा बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें तुम्हारे ऐसे कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा लुक चेंज करवाने लेके जा रहा हूँ। चैनी कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ मुझ पर ट्राई मारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाली। मिस्टर कहता है, मैं भी कहाँ करता हूँ, तुम्हारे ऐसे कपड़े देख ग्रैंडमा मुझे डांटेंगी। फिर वो शनी को ड्रेस सिलवाने लाता है, जिसमें वो पहले ड्रेस पहन के आती है तो मना कर देता है, वो दूसरी ड्रेस पहन के आती है तो उसका कुल्ला ही हो जाता है, तीसरी ड्रेस पहन के आती है उसे भी मना कर देता है, फिर वो चौथी पहन के आती है तो कहता है, अच्छी लग रही है, तो सोचता है ये ऐसे ड्रेसेस में अच्छी लगती है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, मुझे डांट पड़ेगी, और हाँ कर देता है। इधर ग्रैंडमा ग्रैंडपा से कहती है, मैं थोड़े टाइम के लिए फॉरेन के गई, तुमने मिस्टर हुओ की शादी करा दी, और मुझसे कब तक सच छुपाने वाले थे? ग्रैंडपा कहते हैं, बस चिल्लाओ मत, अब मान भी जाओ। ग्रैंडमा कहती हैं, मिस्टर हुओ हु फैमिली के इकलौता वारिस है, उसके लिए अच्छी खानदानी लड़की ढूंढनी थी और तुम एक विलेज गर्ल को ले आए, मुझे शादी मंजूर नहीं है। मिस्टर हुओ की मॉम कहती हैं, ग्रैंडमा आप सही बोल रही हो, मिस्टर हुओ बेटर डिजर्व करता है। ग्रैंडमा कहती हैं, मैं उनकी शादी कैंसिल करती हूँ। याओ कहती है, ग्रैंडमा आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, उसका तो बाहर लड़कों के साथ अफेयर भी है। डैड कहते हैं, ऐसे तो वो मिस्टर हुओ की रेपुटेशन खराब करेगी। ग्रैंडमा कहती हैं, कितनी इनोसेंट और काइंड लड़की हैं, तो उस विलेज गर्ल जैसी लड़की हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। सोचती हैं, काश जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाए। तभी मिस्टर हुओ शनी को लेके आता है। मॉम कहती है, ग्रैंडमा बोलो ना कुछ। शनी सोचती है, ये तो वही है जिनकी मैंने जान बचाई थी। हेलो ग्रैंडमा, पर ग्रैंडमा गुस्से से ब्रेसलेट फेंक के मारती है। मिस्टर हुओ को लगता है कि ग्रैंडमा तो अब शनी को छोड़ेंगी नहीं, तो कहता है, मैंने शनी के लिए कपड़े बाय करे हैं, शनी अभी अभी हुओ फैमिली में नहीं है ना, तो प्लीज इसे डांटो मत, गलती मेरी है। पर ग्रैंडमा कहती हैं, शनी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। शनी जाने लगी थी तो मिस्टर हुओ उसे रोकता है, वो कहती, क्या हुआ तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, पर मुझे तो लगता है ग्रैंडमा बहुत काइंड है, हम में अच्छी बनेगी। मिस्टर कहता है, देख लो जा तो रही हो, बाद में पछताना मत, बट वो भाग जाती है। मॉम मिस्टर से कहती है, मुझे पता तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ग्रैंडमा उस लड़की के साथ तेरी शादी कैंसिल करा देंगी। आंटी कहती है, तुम्हें बाय फैमिली की बेटी मिस पाय से शादी करनी चाहिए थी, तुम दोनों एक दूसरे को मैच करते हो। पर ग्रैंडमा तो शनी का हाथ पकड़ के ला रही थी। याओ की मॉम यानी आंटी तो हैरान थी कि ग्रैंडमा इससे गुस्सा नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा तो उससे हंस-हंस के बात कर रही थी। ग्रैंडमा मिस्टर को डांट के कहती है, इतनी ठंड है, तूने खुद तो इतने मोटे कपड़े पहने हैं, शनी को ऐसे कपड़े पहनाए उसे ठंड नहीं लगेगी, इसके हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। शनी कहती है, ग्रैंडमा मिस्टर ने मुझे कोट दिया था, मैंने नहीं दिया था। ग्रैंडमा कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम दोनों में अच्छा रिलेशनशिप है। सब लोग हैरान। शनजी कहती है, ग्रैंडमा ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं क्या? ग्रैंडमा कहती है, ऐसा नहीं है, ये लोग जरूर तुमसे जेलस हैं। शनी कहती, ग्रैंडमा आप मुझे मनाने के लिए सब बोल रही हो ना? ग्रैंडमा कहती है, जो मैंने बोला वो सब सच है ना? सब लोग कहते हैं, हाँ हाँ सच है। तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मिस पाय आई है। ग्रैंडमा कहती है, वो क्यों आई है? शनी कहती है, कोई बात नहीं ग्रैंडमा, वो गेस्ट है ना, तो आने दो अंदर। मिस पाय आती है तो मॉम सोचने लग जाती है,
कि मिस्टर हो के लिए मिस पाई अच्छी लड़की है, ना कि ये शैनी। ग्रैंडमा कहती है शैनी मिस्टर हो के वाइफ है, अब से इसे सिस्टर इन लॉ बुलाया करो। मिस पाई कहती है ग्रैंडमा आपने तो इसके मिस्टर हो के साथ शादी कैंसिल करानी थी। शैनी कहती है ग्रैंडमा क्या आप सच में ऐसा कराने वाली थी? ग्रैंडमा कहती है किसने कहा? ए मिस पाई क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर कहता है इम्पॉसिबल है, मैं मर जाऊंगा पर शैनी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। शैनी को फंदा लग गया था। ग्रैंडमा कहती है तू बैठा बैठा कर रहा है, शैनी का ध्यान रख। वो शैनी के पास आगे बैठ जाता है। मिस पाय कहती है शैनी तू ग्रैंडमा और मिस्टर हो को पागल बना रही है, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। और उसे मारने आने वाली थी। शैनी कहती हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, बॉडीगार्ड से बाहर फेंक दो। मिस पाय कहती है मैं भी बाय फैमिली की बेटी हूँ, मुझे ऐसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। शैनी कहती है अच्छा तो मैं तेरी वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट करूंगी, हुआ फैमिली में बाय फैमिली की बेटी मिस पाय मिस्ट्रेस बनने आई है। तो मिस पाय भाग जाती है। याओ कहती है तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मिस पाय को ऐसे कैसे भगा सकती हो? और तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो बाहर लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। शैनी कहती है तू बहुत बकर बकर कर रही है, लगता तेरे मुंह को लगाम लगानी पड़ेगी। और एक थपड़े में ही मार के उसे नीचे गिरा देती है। याओ की मॉम यानी आंटी आकर उसे उठाती है और शैनी को सुनाने लगी थी। याओ कहती है मैं तुझसे फाइट करूंगी। शैनी एक कप उठा के कहती है बाद में मत कहना कि बताया नहीं, पहले बता देती हूँ मैं विलेज गर्ल बचपन से ही बहुत स्ट्रांग हूँ। और उनके सामने कप का चूरा बना देती है। तो सबके होश उड़ गए थे। मिस्टर हो उसके हाथ को देखने लग गया था। तुम पागल होके अपनी चोट मारोगी, डरो मत मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इतनी वेले हो तो अपनी कजन सिस्टर का हॉस्पिटल में जाकर दिमाग का इलाज कराओ। शैनी के जाने के बाद तो आंटी ग्रैंडमा से बोलने लगती है देखा उस लड़की ने याओ को कितना बुली किया, आपको शैनी को पनिश करना चाहिए। मिस्टर हो कहता है क्योंकि गलती याओ की थी, दोबारा से मेरी वाइफ के खिलाफ एक भी शब्द मत बोल देना। ग्रैंडमा भी याओ को डांटती है और याओ को 3 दिन तक कमरे में लॉक करने की पनिशमेंट दे देती है। याओ रो रही थी पर नौकर उसे पकड़ के ले जाता है। और तो और ग्रैंडमा मिस्टर हो को भी पनिशमेंट दे देती है कि जाकर अपनी वाइफ से माफी मांग। वो कहता है आप मेरी ग्रैंडमा हो ना। फिर शैनी बिग बॉस बन के किसी से फोन पे बात कर रही थी कि वो चीज जल्दी से डिलीवर कर जाना। तभी मिस्टर हुआ चाहता है तो कहती है तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे अंदर? वो कहता है तुम्हारा बेडरूम मेरा भी बेडरूम है, ऐसे अभी तुम किससे बात कर रही थी? किसी लड़के से। वो कहती है तुम भी हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते अपना अल्जाइमर का चेक कराने? तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? हमने शादी एग्रीमेंट पे की है। वो कहता है सॉरी। तो उसे भगाने लगती है। मिस्टर हो कहता है मेरा बेडरूम है, बट वो खुद ब्लैंकेट ढक के सो गई थी। मॉर्निंग में मिस्टर हो को असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि अभी अभी पता चला है कि मिराकल डॉक्टर फॉरेन से आया है। ग्रैंडपा शैनी को बताते हैं कि हियान कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, मिस्टर हो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। शैनी कहती है ग्रैंडपा मुझे कॉलेज नहीं जाना। तो मामा से सुनाने लग जाती है एक तो हुआ फैमिली की डॉटर लॉ बनना चाहती है और कॉलेज भी नहीं चाहेगी तो क्या हमारी नाक कटाएगी? मिस्टर हो कहता मॉम आप इसे ऐसा क्यों बोल रही हो, इसकी मर्जी, अगर ये जाना चाहे तो जा सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। शैनी कहती है किसने कहा कि मैं हियान कॉलेज में जाना चाहती हूँ? रियल में मैं तो यनचंग कॉलेज में जाना चाहती हूँ। अब लोग हैरान। मॉम कहती है यनचंग कॉलेज में ऐसे एडमिशन नहीं मिलता, वो हाईफाई जीनियस और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है। शैनी कहती है रियल में मैं खुद नहीं जा रही, यनचंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने पर्सनली मुझे इन्वाइट किया है। मिस्टर हो कहता है तुम गुस्से में यनचंग कॉलेज आई हो ना? वो कहती है नहीं तो मुझे सच्ची में प्रिंसिपल ने इनवाइट किया है। चली जाती है पर मिस्टर हो हैरान क्या ये प्रिंसिपल को जानती है? असिस्टेंट बताता है कि मिराकल डॉक्टर को पता चला है तो वो वहाँ जाने लगता है। इधर शैनी प्रिंसिपल चेयर पर बैठी थी, प्रिंसिपल आकर कहता है आखिर मेरे और मेरे कॉलेज ने क्या गलती की है कि तुम जैसे टैलेंटेड स्कूल में पढ़ने आई है। शैनी कहती है अब से तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल कहता है कैसा मजाक कर रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रख सकता हूँ, तुम तो खुद मेरी बिग बॉस हो। शैनी कहती है यहाँ मेरी बिग बॉस की आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ एवरेज स्टूडेंट बन के आई हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है ओके बॉस। इधर गर्ल्स बातें कर रही थी कि सुना हमारे कॉलेज में एक लड़की आई है और वो विलेज गर्ल है। तभी हमें पता चलता है कि उन लड़कियों में से जो रैन है वो याओ की फ्रेंड है और याओ ने उसे पहले बता दिया था कि शैनी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, तुम उससे मेरे लिए बदला लेना। और रैन अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर शैनी का डेस्क उठा के बाहर ले आती है। तू जैसी गांव की गवार इस कॉलेज के सीट के लायक नहीं है, ये बस वार्निंग है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। शैनी कहती है लगता है तू मरना चाहती है और उसे जोरदार थपड़ा लगा डालती है। फिर वो एक हाथ मार के टेबल तोड़ देती है। सब गर्ल्स एकदम हैरान थी कि ये तो बहुत स्ट्रांग है। शैनी रैन की गर्दन पकड़ लेती है। रैन कहती है मुझे छोड़ दे, मैं क्या फैमिली की बेटी हूँ। शैनी उसका हाथ मोड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है
वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, पर अगर कोई मुझे हाथ लगाता है तो मैं उसका हाथ तोड़ देती हूँ। रैन का हाथ टूट गया था तो वो रोती हुई अपने मॉम डैड के पास आती है और उनसे शैन्य की शिकायत करती है, उस गांव की लड़की ने मेरा ये हालत की है, मैं चाहती हूँ डैड आप उसके भी हाथ पैर तोड़ दो। शैन्य कहती है तुम सीओ को कोई काम धाम नहीं है, जब मर्जी मुझे कॉलेज से लेने आते रहते हो। मिस्टर हो कहता है मुझे डर है कि कोई तुम्हें बुली ना करे, तो कहती है सब लोग मेरी आइडेंटिटी से डरते हैं। मिस्टर हो हैरान क्या मतलब, तो कहती है मेरा मतलब कि आखिर मैं मिस्टर हो की वाइफ हूँ तो कौन उसकी लिटिल वाइफ से पंगा लेगा। इधर शैन्य को उसके किसी चमचे का फोन आता है, बिग बॉस बहुत बड़ी डील आई है, एक पार्टी मिराकल डॉक्टर को पकड़ना चाहती है। शैन्य सोचती है कौन सी पार्टी है जो मिराकल डॉक्टर को पकड़ना चाहती है। तभी मिस्टर हो आ जाता है और उसे फोन आ गया था कि बिग बॉस ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है उसे कह दो 300 मिलियन दूंगा, और शैन्य को मैसेज आ जाता है कि वो पार्टी मिराकल डॉक्टर को पकड़ने के लिए 300 मिलियन दे रही है। वो सोचती है इसका मतलब वो पार्टी मिस्टर हु है। मिस्टर हु कहता है चलो साथ में चलते हैं। वो कहती है क्या कहा, तो कहता है हम एक्टिंग कर रहे हैं ना कपल होने की, तो वो भी उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। ग्रैंडमा शैन्य से कहती है कॉलेज जाना तो बहुत भारी काम है, तुम कितना थक जाती हो कि कोई जरूरत नहीं है, पैसे चाहिए तो हमारी हुआ फैमिली के सारे पैसे तुम्हारे तो हैं। शैन्य कहती है ग्रैंडमा आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे कितने टाइम की शादी हो गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे रखा। इतने में मॉम मिस पाय को लेके आ जाती है। शैन्य कहती है तुझे पिछली बार बाहर निकाला था फिर आ गई मुंह उठाकर। मिस पाय कहती है मैंने सुना है ग्रैंडमा बीमार है इसलिए मैं उनका हालचाल पूछने आई थी। मॉम कहती है मिस पाय को मैं लेके आई हूँ, ग्रैंडमा मिस पाय आपके लिए मेडिसिन लेके आई है। शैन्य गुस्सा आने वाला था तो मिस्टर हो शांत करता है, पर वो कहती है मॉम आप क्या चाहती हो, मैं मिस्टर हो को डाइवोर्स दे दूं और मिस्टर हो आपकी लाइफ में मिस्टर से शादी कर ले, आप मिस्ट्रेस के लिए अपनी डॉटर इन लॉ को बुली कर रही हो, वो फैमिली की इज्जत का क्या होगा। मॉम कहती है मिस्टर हो देख ले ये मुझे क्या क्या बोल रही है और तू चुपचाप खड़ा सुनना है। मिस्टर हो कहता है मॉम आपकी गलती है, जब ग्रैंडमा ने मना कर दिया था तो आप मिस पाय को घर के अंदर क्यों लेके आई हो। मिस पाय कहती है मिस्टर हो तुम अपनी मॉम को कुछ मत कहो, मेरी गलती है मैं ही ग्रैंडमा से मिलने आई थी, मैं चली जाती हूँ, और चाहती हुई जानबूझ के गिर जाती है। शैन्य हैरान फिर मिस पाय ऐसा फेस बनाने लगती है कि मिस्टर हो उसके उठने में हेल्प करे। मॉम कहती है तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल। पर शैन्य मिस्टर हो को गुस्से से कहती है हिम्मत है तो उसे उठाकर दिखाओ, उसे तसल्ली देता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर हो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो दूसरे लड़के को कैसे गोद में उठा सकता है। नौकरों को बोलती है कि मिस पाय को उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ। शैन्य कहती है ग्रैंडमा कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं बचपन से ही टूटी हड्डी को एकदम ठीक कर देती हूँ। ग्रैंडमा कहती है अच्छा तो फिर जाके जल्दी से मिस पाय को ठीक कर दे। शैन्य कहती है बस थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम एकदम ठीक भागोगी उठ के। मिस पाय डर रही थी बट वो उसका पैर मोड़ देती है तो वो चिल्ला पड़ती है। मिस्टर हो कहता है मामा परेशान मत होइए ये एकदम ठीक हो जाएगी, और वैसे भी शैन्य बहुत काइंड है वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। शैन्य कहती है मिस पाय डरो मत तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, अच्छा लगेगा तुम पैरों से लंगड़ी हो जाओगी, बस थोड़ा सा दर्द होगा तुम यूं ठीक हो जाओगी। फिर से उसका पैर मोड़ देती है। मिस पाय तो बेहोशी हो गई थी। फिर रात में शैन्य कहती है तुम्हारे उस स्वीट हार्ट को ठीक करते हुए तो मेरे हाथ ही दुखने लग गए। मिस्टर कहता है पर मजा तुम्हें बहुत आया होगा, और वैसे भी वो मेरी स्वीट हार्ट नहीं है। शैन्य कहती है तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर उसके करीब हो कहता है अच्छा फिर तुम जेलस की हो रही हो, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। शैन्य हंसते हुए धक्का मार देती है प्यार वो भी तुमसे, तुम जैसा बुढ़ा मेरे जैसी ब्यूटीफुल लड़की के लायक नहीं है। बुढ़ा सुन के मिस्टर गुस्से में था और उसे बेड पे गिरा लेता है। फिर वो उसके करीब होकर किस करने लगा था। शैन्य पहले तो नर्वस हो रही थी बट उसके थपड़ा लगा डालती है और उसे धक्का मार के उठा देती है। घर क्या रहे थे, वो कहता है तुम क्या अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती हो। शैन्य कहती है और तुम क्या कर रहे थे, अपना बोरी बिस्तरा उठाकर बाहर जाके सो, तुम्हारा सिस्टम तो ऑलरेडी खराब है, साथ में तुम्हारी टांगे भी मैं तोड़ दूंगी। तभी उन्हें मेड की आवाज आती है जो बताती है कि मिस्टर हु आपको आपकी मॉम ने बुलाया है। मिस्टर हु अपने मॉम के रूम में आता है बट वहाँ पर मिस पाय बैठी थी, वो पूछता है मेरी मॉम कहाँ पे है, तो कहती है आंटी मेडिसिन से ठीक हो गई है, तो आप करने लगी थी वो जान लगता है तो पीछे से कर लेती है, पैर में दर्द हो रहा है मेरी हेल्प करोगे। वो हाथ छुड़ा के उसे गिरा देता है। शैन्य को दोबारा बुलाऊंगे तुम्हें ठीक करने, मिस पाय कहती है वो शैन्य मुझे बुली कर रही थी और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, तुम तो मुझे बहुत लव करते हो ना। मिस्टर हो कहता है बस करो अपना ड्रामा, तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारी बाय फैमिली का अभी तक एहसानमंद हूँ, पर तुम लोगों ने मेरे नाम पर बहुत कुछ कांड किए हैं, इस हिसाब से तो मैं कब का तुम्हारा एहसान चुका चुका हूँ। हाथ पकड़ने लगी थी तो छुड़ा कर कहता है दोबारा शैन्य के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और चला जाता है। मॉर्निंग में शैन्य को फोन आता है कि मैं आपका सामान ले आया, घर के बाहर खड़ा हूँ, तो वो लेने जाती है। शैन्य पूछती है क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है।
वो कहता नहीं तो उसे सामान पकड़ा के चला जाता है। शैनी को आता देख या और मॉम बातें करने लगती हैं कि बाहर से कूड़ा उठाकर ला रही है। ग्रैंडमा शैनी को अपने पास बिठा लेती हैं। शैनी कहती है, ग्रैंडमा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। आंटी कहती है, तेरे इस कचरे वाले बैग में क्या होगा, कचरा ही होगा। पर मिस पाया तो ग्रैंडमा के लिए 200 साल पुराना जिनसंग लेके आई है। शैनी पॉलिथीन में से एक पॉट निकाल के देती है। ग्रैंडमा कहती है, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। मिस्टर उन्हें देख रहा था और सोचता है, मैं इतने टाइम से मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा था ताकि ग्रैंडमा के लिए इस प्लांट को बाय कर सकूं, जो ग्रैंडमा की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो शैनी ने इसे कहां से ढूंढ लिया। राव कहती है, तेरा छोटा सा पौधा बाय के 200 साल पुराने जिनसंग को टक्कर नहीं दे सकता। शैनी कहती है, हस्बैंड वहां क्यों खड़े हो, आके बताओ कि ये प्लांट कौन सा है। मिस्टर वो कहता है, याओ बकवास मत करो, ये प्लांट की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये कोई मामूली प्लांट नहीं है, ये फीनिक्स प्लांट है। मॉम कहती है, मैंने सुना है फीनिक्स प्लांट का तो एक पत्ता ही मिलियंस का है, क्योंकि इसकी मेडिसिन बनती है। पर बाकी सब बोलने लगते हैं, हो ही नहीं सकता, ये शैनी फीनिक्स प्लांट को ले आएगी। ग्रैंडमा कहती है, अच्छा क्या तुम लोगों में से किसी ने फीनिक्स प्लांट को देखा है, सबकी बोलती बंद। आंटी कहती है, जो भी हो शैनी विलेज गर्ल है, वो फीनिक्स प्लांट को कभी बाय नहीं कर सकती, जरूर ये फेक होगा। मिस्टर वो कहता है, ये रियल फीनिक्स प्लांट है। मिस बाय कहती है, मिस्टर वो शैनी सबके सामने एम्बेरस ना हो इसलिए तुम उसका साथ दे रहे हो ना, वरना तो ये फेक प्लांट ही है। शैनी कहती है, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या, ग्रैंडमा मेरे हस्बैंड दोनों ने बोल दिया कि ये रियल फीनिक्स प्लांट है, कहीं तुम इसे अपने फेक गिफ्ट से कंपेयर तो नहीं कर रही। मिस बाय कहती है, मेरा 200 साल पुराना जिनसंग फेक नहीं है, रियल है। शैनी कहती है, अच्छा तो फीनिक्स प्लांट और तुम्हारे जिनसंग दोनों को किसी प्रोफेशनल से आइडेंटिफाई करवा लेते हैं, अगर फीनिक्स प्लांट फेक निकला तो मैं मिस्टर हो को डाइवोर्स देकर वो फैमिली से चली जाऊंगी, और तुम्हारा। मिस पाय कहती है, अगर जिनसंग फेक निकला तो मैं अपनी गलतियां मानकर तुमसे माफी मांगूंगी और कभी हुआ फैमिली में नहीं घुसूंगी। तभी वहां एक प्रोफेशनल आता है और चेक करके बताता है कि ये 200 साल पुराना जिनसंग है ही नहीं, बल्कि ये तो लाइट पॉइजन है जिससे इंसान की तबीयत खराब होने लगती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है, तुम तो सांप निकली, गार्ड्स इसे बाहर फेंक दो। मिस पाय कहती है, ऐसा नहीं है। शैनी कहती, रुको, तुमने बोला था कि अगर ये जिनसंग फेक होगा तो माफी मांगोगी और हुआ फैमिली में कभी दोबारा नहीं घुसोगी, तो हम तुम्हें बिना माफी मांगे ऐसी कैसे जाने दे सकते हैं। मिस पाय मना कर देती है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। शैनी ऑर्डर देती है तो एक बॉडीगार्ड उसकी मुंडी पकड़ के जमीन पर पटक देता है। मॉम कहती है, अच्छा हुआ इस मिस पाय की सच्चाई मेरे सामने आ गई, और मिस पाय पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। ग्रैंडमा कहती है, थैंक यू शैनी, तूने मुझे बचा लिया, वरना तो ये मुझे मार ही देती। और सब लोग कान खोल के सुन लो, कोई भी उसे मिस पाय को घर के अंदर नहीं लेके आएगा। प्रोफेशनल बताता है कि शैनी वाला फीनिक्स प्लांट ही है जो बिलियंस का है। पर मिस शैनी, आपको कैसे पता चला कि वो जिनसंग फेक था, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल ये बता सकता है। शैनी कुछ बोलने वाली थी बट मिस्टर हो उसके मुंह पे हाथ रख के उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है और पूछता है, तुम्हारा मिरेकल डॉक्टर से क्या रिलेशनशिप है। वो कहती है, कुछ भी नहीं। तो कहता है, अच्छा फिर तुम्हें फीनिक्स प्लांट कहां से मिला। वो कहती है, मैंने तो ऑनलाइन बाय किया है। मिस्टर हो कहता है, मुझे भी लिंक सेंड करो। फिर वो फोन चलाने लगी थी और कहती है, अरे वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। शैनी अपने फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में आती है, वहाँ उसे रास्ते में रैन मिल जाती है जो कहती है, पिछली बार तूने मुझे बुली किया था ना, इस बार डैड ने मेरे साथ ब्रदर फे को भेजा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। शैनी कहती है, ब्रदर फे, तू फे को बोल रही है। रैन कहती है, तू ब्रदर फे को उसके नाम से बुला रही है, तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तू गई काम से। फ्रेंड कहती है, शैनी मैंने भी सुना है ब्रदर फे बहुत डेंजरस है। शैनी कहती है, उससे कौन डरता है। रैन कहती है, अभी तो उससे माफी मांगेगी। तभी ब्रदर फे आता है तो उसे बताती है कि इस लड़की ने मुझे परेशान किया था। फे जैसे ही शैनी को देखता है रैन को पटक के मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे कुछ बोलने की, और शैनी से माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था तुम हो, अगर तुम चाहो तो मैं इस रैन को सबक सिखा सकता हूँ। रैन एकदम हैरान कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और माफी मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे शैनी छोड़ दो, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। शैनी कहती है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तो रैन भाग जाती है। जबकि शैनी की फ्रेंड भी हैरान थी, या वो देखती है शैनी को ब्रदर फे के साथ, तो मिस्टर को कॉल करती है, ब्रदर शैनी उसी अपने किडनैपर के साथ आर्ट एग्जीबिशन में आई है, जल्दी आओ यहाँ। ये शैनी को बता रहा था कि ये पेंटिंग फेमस पेंटर की बनी हुई है, बिग बॉस अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं ये मास्टरपीस तुम्हें दिलवा सकता हूँ। शैनी स्माइल कर रही थी, और हमें पता चलता है कि शैनी जब एक पेंटिंग बना रही थी तब उसे एक्सीडेंटली उसके ऊपर टी गिर जाती है, तो उस पेंटिंग को दोबारा से ड्रॉ करती है और एक मास्टरपीस बना देती है। कि मेरी गलती एक मास्टरपीस बन गई। तभी मिस्टर आकर फे को धक्का मार के शैनी को क्लोज कर कहता है, मेरी वाइफ को जो पसंद है वो मैं उसे दिला सकता हूँ। तू कौन है। शैनी कहती है, तुम मुझे गलत इंसान समझ रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है, बहुत पावरफुल है,
मार मार के कचूमर बना देगा। वो कहता है हाँ गलत समझ रहा हूँ, भाग जाता है। मिस्टर वो कहता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। शैनी कहती है नहीं तो क्या ये तुम्हारा कोई लवर है। वो गुस्से से गोद में उठाकर कार में ले आता है। तो कहती है तुम पागल हो गए। वो कहता है तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई, शादी के टाइम पे तुम्हारा किसी के साथ अफेयर नहीं होगा। वो कहती है मेरा कोई अफेयर नहीं था। मिस्टर कहता है वो लड़का कौन था, उसके साथ आर्ट एग्जीबिशन साथ में गई थी, रोमांटिक लगा क्या। उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, वो उसे डरा रही तो टकली पे मार देती है। असिस्टेंट आगे बैठे उन्हें देख रहा था। शैनी कहती है तुम्हारा तो सिस्टम खराब है, तब भी मुझ जैसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, शर्म नहीं आती। मिस्टर कहता है क्या बकरी हो। तो कहती है अगर तुम बीमार हो तो इलाज करा लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारे बारे में, मेरे सामने रियल मैन बनने की जरूरत नहीं है। बट मिस्टर फिर से उसे गुस्से से किस करने लगा था। असिस्टेंट कार में बैठा था तो बाहर आ जाता है क्योंकि उसे पता है ये तो रुकने वाले है नहीं। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर हो और शैनी कार में से बाहर निकलते हैं। तो शैनी ने मिस्टर हो के लिप्स पे काट लिया था और उसके ब्लड निकल रहा था, बट वो फिर भी उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा था। वहाँ पर मॉम रैन की मॉम मिस क्याओ से बात कर रही थी और बताती है कि मिस क्याओ शैनी से बात करना चाहती है। बट मिस्टर हो शैनी को उससे बात नहीं करने देता और ले जाता है अंदर। रास्ते में जाते जाते शैनी अचानक से बेहोश हो गई थी तो उसे गोद में उठा के ले आता है। ग्रैंडमा मिस्टर को डांटती है कि तू शैनी का सही से ध्यान नहीं रख पाता, देख कितनी वीक हो गई है। कहता है सॉरी ग्रैंडमा, ये मेरी वाइफ है, अब मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर ने असिस्टेंट को किडनैपिंग के बारे में पता करने को बोला था, तो असिस्टेंट आकर मिस्टर को बताता है कि शैनी को किडनैप करने के लिए किडनैपर्स मिस बाई ने भेजे थे। मिस्टर कहता है ओके बाय फैमिली से सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर दो, जब उनका बिलियंस का नुकसान होगा तभी पता चलेगा। ग्रैंडमा शैनी से मिलने आती है तो शैनी बताती है कि ग्रैंडमा वो मिस बाय बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रही है। ग्रैंडमा कहती है मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो कहती है ग्रैंडमा इस बार तो उसने मिस्टर के फोन पे कॉल किया है। ग्रैंडमा कहती है अभी पिकअप कर, तो वो फोन उठाकर लाउड स्पीकर पे कर देती है। स्पाय कहती है मिस्टर हो मुझे पता था वो मेरा कॉल उठाओगे। शैनी म्यूट कर देती है। ग्रैंडमा कहती है उसे बोल कि मिस्टर हो बाथरूम में शॉवर ले रहा है। शैनी कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। ग्रैंडमा कहती है ओके अगर दोबारा परेशान किया तो मुझे बता देना। और फिर ग्रैंडमा के जाते ही मिस पैसे कहती है तुम इतनी लेट नाइट को मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों कर रही हो, अभी अभी मेरे साथ ही था, अभी नहाने गया वॉशरूम में, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मिस पैसे कहती है तुम मिस्टर हो के साथ सेम बेड पे थी। शैनी कहती है और नहीं तो क्या, हम लीगल कपल है, हमारा साथ सोना तो नेचुरल है, पर क्या तुम इतनी रात में अकेला फील कर रही हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए दो डॉगी भिजवा दूं। मिस पाय चिढ़ रही थी। शैनी कहती है अरे मेरा हस्बैंड तो आ भी गया, अभी तुम क्या कर रहे हो, मैं कितना थक गई हूँ, अभी छोड़ो ना मुझे, और फोन काट देती है। पर फिर अपनी हरकतों पे हंसने लगी थी। मिस्टर वो खड़ा स्माइल कर रहा था और अंदर आते कहता है अच्छा तुम्हारा अभी तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, और उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती है क्या कर रहे हो। तो कहता है वही तुम जो अभी बोल रही थी। मिस्टर उसके जबरदस्ती करने लगा था, वो चिल्ला रही थी, तभी ग्रैंडमा कर कहती है साइड हट, मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान करेगा। शैनी ग्रैंडमा को हक करके रोने लग जाती है, मैंने बिस्पाय को सुनाया ना इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहा है। अच्छा वो आप आ गई। मिस्टर कहता है ग्रैंडमा सुनो तो सही। ग्रैंडमा कहते हैं तू चुप ही रह, एक तो अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखता, ऊपर से उसे परेशान भी करता है, निकल यहाँ से। शैनी कहती है ग्रैंडमा ये देखो अभी मुझे घूर रहा है, कितना डरावना है। तो ग्रैंडमा उसे भगा देती है। नेक्स्ट डे शैनी अपने फ्रेंड को कॉल करती है, बट एक गुंडा उठाता है और बताता है कि तेरी फ्रेंड अपुन के कब्जे में है, उसे बचाना है तो वेयर हाउस में आ जाइए। शैनी कहती है मेरी फ्रेंड को टच में मत करना, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। वहीं भी एक बाइक वाला जा रहा था तो वो उसे नीचे गिरा के खुद उसकी बाइक ले लेती है। मुझे अपनी बाइक उधार दे दो, पैसे तुम्हें मिस्टर हो से मिल जाएंगे। ये लड़का मिस्टर हो का कजन है जो उसे कॉल करता है कि ब्रो तेरी वाइफ मुझसे बाइक ले गई छीन के, मुझे पैसे सेंड कर दे। इधर मिस पाय और उसके गुंडों ने फ्रेंड को किडनैप कर रखा था, तभी शैनी की बाइक से एंट्री होती है। गुंडे कहते हैं ओ एक लड़की आई है इसे बचाने, बाइक चलाती है, डरना क्या है, तो छोटी लड़की ना। शैनी कहती है मिस पाय तू निकली, मैं तुझे एक चांस देती हूँ, मेरी फ्रेंड को छोड़ दे। जबकि फ्रेंड चिल्ला रही थी कि शैनी ऐसे चली जा, ये लोग बहुत बुरे हैं। मिस पाय कहती है तू बड़ी इसकी बेस्ट फ्रेंड बन रही है, शैनी अगर अपनी फ्रेंड को बचाना है तो झुक जा मेरे आगे, वरना तेरी फ्रेंड को मार दूंगी। शैनी कुछ फेंके मारती है जिससे गुंडे एक बार में निपट लिए थे। मिस पाय डरने लगी थी तो फ्रेंड की गर्दन पे चाकू रख लेती है, पर मिस पाय उसके ऊपर कुछ फेंके मारती है। शैनी सोचती है ये तो पॉइजन है, इसका तो अभी कोई एंटीडोट भी नहीं है, नीचे गिर गई थी। मिस पाय कहती है मैंने स्पेशली पॉइजन तेरे लिए खरीदा है, पर मिस्टर हो तुझे किसी और लड़के के साथ देखेगा तब तो वो पक्का तुझे रिजेक्ट कर देगा। और एक लड़की कहती है आज रात के लिए लड़की तेरी। शैनी के फोन में रिंगटोन बजती है, तुम्हारे प्यारे हबी का कॉल आया है। तो सोचती है उस बुढ़े ने मेरी रिंगटोन कब चेंज कर दी। मिस पाय उसका फोन तोड़ने लगी थी, चाकू मारने वाली थी,
फ्रेंड अपनी रस्सी खोल के मिस पाय को धक्का मार देती है। लड़का अगर फ्रेंड को मारने लगता है तो शैनी उठ के उसके लात मार देती है और मिस पाय का गला पकड़ लेती है। वो गुंडा शैनी के फ्रेंड को पकड़ लेता है और बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देता है, तो शैनी मिस पाय को छोड़ देती है। बॉम्ब फटने वाला था, मिस पाय भागने लगी थी, जबकि शैनी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बॉम्ब की तरफ भागती है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। स्टोर असिस्टेंट वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखता है वहाँ आग लगी हुई है, मिस पाय नीचे पड़ी थी और उसके फेस पे चोट लग गई थी। कहती है, मिस्टर मुझे बचा लो। वो कहता है, ये सब तुमने किया है, बताओ शैनी कहाँ है। मिस पाय कहती है, शैनी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था मारने के लिए, बट मिस्टर उस पे चिल्ला रहा था तुमने शैनी के साथ क्या किया, और आग में जाने वाला था शैनी को बचाने के लिए, जबकि असिस्टेंट उसे रोक रहा था। तभी शैनी अपने फ्रेंड को लेके आ रही थी। कहती है, मिस्टर हो मैं यहाँ हूँ। फ्रेंड जाके असिस्टेंट को पकड़ता है और मिस्टर हो शैनी को पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है, अभी मरी नहीं हूँ। वो कहता, तुम इतनी गर्म कैसे हो रही हो, बीमार हो क्या? और उसे गोद में उठा कर लेके जाने लगता है। इस पर चिल्ला रही थी बट वो उसे इग्नोर कर जाता है। डॉक्टर शैनी का चेकअप करके बताता है कि इसे पॉइजन दिया गया है। वो कहता है, कैसा पॉइजन है, जल्दी ठीक करो इसे। डॉक्टर कहता है, मेरे पास पॉइजन का इलाज नहीं है। वो कहता है, अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉक्टर कहता है, इसे मैं नहीं तुम बचा सकते हो। शैनी आधी बेहोशी हालत में थी। मिस्टर कहता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, पर तुम्हें बचाने का यही रास्ता है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं नहीं करूंगा, पर अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मुझे करना पड़ेगा। और उसे किस करने लगा था। मॉर्निंग में शैनी उठ के उसे देखती है तो लात मार के नीचे गिरा देती है। और बुढ़े, तू मेरे बेड पे क्या कर रहा है? स्टोर कहता है, तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ? शैनी कहती है, क्यों, तुम मिस पाय को बचाने गए थे? वो कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कल रात तुम्हें किसने बचाया, और जब तुम्हें किडनैपर का फोन आया था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शैनी कहती है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो और नर्वस भी लग रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? देखो, हमने सिर्फ शादी के लिए यहाँ किया था, और कौन पहले बोल रहा था कि मुझे तुम जैसे शैतान लड़की पसंद नहीं है? मिस्टर वो कहता है, मैं बस तुम पे दया खा रहा हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, और कुछ नहीं। शैनी कहती है, अच्छा है, तुम भी याद रखो, मुझे भी तुम जैसा बुढ़ा पसंद नहीं है। बुढ़ा सुन के मिस्टर वो गुस्से में था और उसे पकड़ के अपने करीब कर लेता है, जबरदस्ती किस करने लगा था। तभी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आ जाते हैं। तो शैनी कहती है, ग्रैंडमा देखो ना, ये मुझे फिर से बुली कर रहा है। मिस्टर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडमा आते से धक्का मार के शैनी को हक कर लेती है, और फिर मिस्टर हो की ग्रैंडपा को शिकायत करती है, तुम इसे सुधारो। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर इसने दोबारा शैनी को बुली किया ना, मैं इसके सारे क्रेडिट कार्ड लॉक करवा दूंगा। मिस्टर सोचता है, ये कितना नाटक करती है, और उसे छूने वाला था। ग्रैंडमा दूर कर कहती है, मेरे सामने उसे बुली कर रहा है? शैनी डर मत, हम है ना, हमारे सामने कुछ नहीं करेगा यूँ। और ग्रैंडमा मिस्टर को बाहर निकाल देती है। उसे आते देख मॉम कहती है, तू बाहर क्या कर रहा है, अंदर जाके शैनी का ध्यान रख। मिस्टर वो कहता है, मॉम आपको बहुत शैनी की चिंता हो रही है, पहले तो आप ऐसे नहीं थी। मॉम कहती है, हाँ पहले मुझे वो पसंद नहीं थी, पर देखा जाए शैनी अच्छी लड़की है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं शैनी के लिए सूप बना के लाई हूँ, चल हट, मुझे उसे देके आना है। उसे धक्का मार के चली जाती है। इधर मिस पाय हॉस्पिटल में थी और बहुत गुस्से में थी। शैनी सूप पी रही थी तो मिस्टर वो उसे देख स्माइल कर रहा था। तभी मेड आकर बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि इनकी मामूली तबीयत खराब नहीं हुई, तुम्हारी ग्रैंडमा को पॉइजन दिया गया है। ग्रैंडपा पूछते हैं, कोई तो तरीका होगा इसे बचाने का? डॉक्टर कहता है, अब तो एक ही तरीका बचा है, ग्रैंडमा को सिर्फ मिरेकल डॉक्टर बचा सकता है। पर सब लोग कहते हैं, मिरेकल डॉक्टर हमें कहाँ मिलेगा, उसे तो आज तक किसी ने नहीं देखा। शैनी कहती है, मैं मिरेकल डॉक्टर को बुला सकती हूँ। याओ कहती है, तू तो विलेज गर्ल है, तू मिरेकल डॉक्टर को कहाँ जानती होगी, जब हमारे जैसे रिच रूहो फैमिली नहीं जानती। शैनी कहती है, पर अगर मैंने मिरेकल डॉक्टर को यहाँ बुला लिया तो? और फोन करती है, अभी 10 मिनट में यहाँ पहुँचो। तभी मिरेकल डॉक्टर भाग के आता है। याओ कहती है, शैनी तुझे शर्म नहीं है, तू भिखारी बुला लाई, ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, तुझे मजाक सूझ रहा है, ये मिरेकल डॉक्टर कहाँ आ सकता है, इसे निकालो बाहर। पर ग्रैंडपा उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और मिरेकल डॉक्टर को कहते हैं, इसका इलाज करो। मिरेकल डॉक्टर निडल से ग्रैंडमा का इलाज करता है। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को बताते हैं कि शैनी ने मिरेकल डॉक्टर को बुलाया है। ग्रैंडमा कहती है, शैनी तूने फिर से मेरी जान बचा ली, इधर आ, और उसे अपनी रिंग निकाल कर शैनी को पहना देती है। आंटी कहती है, ये तुम्हारी खानदानी रिंग है, आप इसी को दे रही हो? ग्रैंडमा कहती है, ये मेरा फैसला है, क्या किसी को एतराज है? तो सबकी बोलती बंद। शैनी कहती, ग्रैंडमा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं वैसे भी ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनती, आप ही पहन लो। ग्रैंडमा कहती है, मैंने तुझे दे दिया, अब से ये तेरी है, और ओल्ड हो गए हैं तो अब से हुओ फैमिली की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है, तो फैमिली को ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड कब देने वाले हो? स्टो कहता है, ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत करूंगा। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा पूछते हैं उससे कि तुम मिरेकल डॉक्टर को कैसे जानती हो? तो कहती है, मैं एक बार माउंटेन्स पे मेडिसिन लेने गई थी, तब मैंने किसी की जान बचाई जिसे सांप ने काट लिया था, और वो मिरेकल डॉक्टर निकला, ऊपर से वो मेरा पड़ोसी भी है। जब वो रूम में आती है, मिस्टर होस अपने करीब का कहता है, क्या सच में सिर्फ यही बात है या फिर कुछ और?
फिर वो उसे किस करने वाला था, तभी गेट पे कोई आ जाता है और वो असिस्टेंट होता है जो बताता है कि जिसने ग्रैंडमा को पॉइजन दिया था वो मिस पाए ही है। मिस्टर वो कहता है इस बार मैं उस मिस पाए को नहीं छोड़ूंगा, असिस्टेंट उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करो। फिर मिसके और शैनी से मिलने आती है और कहती है तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें एक गाँव में खो दिया था और तुम्हारी बैग पे एक बटरफ्लाई का निशान है। शैनी सोचती है इसे कैसे पता, क्या सच में मेरी मॉम है। मिसका उसका हाथ पकड़ने लगी थी, शैनी दूर हट जाती है तो कहती है सॉरी मेरी ममता जाग गई थी। क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी, शैनी सोचती है ग्रैंडमा ने कभी मुझे अपनी मेरी मॉम के बारे में नहीं बताया, मुझे एक बार जाना चाहिए। और फिर मिसकिया उसे अपने घर पे लेके आती है। नैनागर कहती है मॉम ये विलेज गर्ल मेरी बहन कैसे हो सकती है। शैनी कहती है पहले तो तू ही मेरी सिस्टर बनने के लायक नहीं है। मिसकिया कहती है शैनी तुझे रैन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शैनी कहती है अच्छा जब ये मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आप मेरी सच में मॉम हो भी या नहीं। मिसकिया कहती है मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ, चलो मेरे साथ, मैंने तो तुम्हारे लिए फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम भी रख रखा है। शैनी कहती है और मुझे पता है फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारे घर के सिर्फ सर्वेंट्स रहते हैं। रैन कहती है तुम्हारी जैसी विलेज गर्ल हमारे से रहने के लायक नहीं है, और उसे फिंगर दिखा रही थी तो शैनी उसकी फिंगर ही मोड़ देती है। मिसकिया गुस्से से कहती है अभी कभी रैन से माफी मांग, पर शैनी मना करके चली जाती है। इधर ग्रैंडमा मिस्टर हु को डांट रही थी, बता शैनी कहाँ चली गई, तूने उसे बुली किया होगा, जबकि वो मना कर रहा था मैंने कुछ नहीं किया। शैनी आकर कहती है मिस्टर हु तुम ये क्या कर रहे हो, बट वो उसे पकड़ के कंधे पे टांग कर ले जाता है कि ग्रैंडमा मैं आपको जल्दी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड दूंगा, और शैनी को रूम में लाता है। वो कहती है पागल हो गए हो, कहता है तुम मेरी वाइफ हो तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलना चाहिए, बताओ तुम कहाँ गई थी। वो कहती है मैं कौन सा बच्ची हूँ, जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें बचा कर जाऊंगी। फिर रात में मिस्टर हु जब वो सो रही थी चुपके चुपके अंदर आ रहा था और सोचता है ये मेरा बेडरूम है और ये मुझे बाहर सोफे पे सुलाती है, और अंदर आके चुपके से उसके साथ बेड पे सो जाता है। मॉर्निंग में शैनी मिस्टर हु के ऊपर पानी पलट देती है, वो कहता है क्या कर रही हो, तो कहती है मेरे बेड पे सो गए तो ऐसे होगा। उनकी आवाज सुन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जाते हैं, शैनी जल्दी से टब छुपा देती है। मिस्टर हु अपने गीले कपड़े छुपाने लगा था, ग्रैंडमा से देख कहती है तू इतना बड़ा हो गया अभी बेड गीला करता है। शैनी डरो मत मिस्टर हु को बचपन से ये प्रॉब्लम है, पर रात ज्यादा ही पी ली थी इसने। शैनी कहती है एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर हु की ये हालत हुई है, हर रोज बेड गीला कर देता है, अब मैं क्या करूं। ग्रैंडमा कहती है सही बोल रही है, इसका डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा। शैनी चल मैंने तेरे लिए सूप बनाया है, और उससे ले जाती है, जबकि मिस्टर हु चिल्ला रहा था कि मैंने कोई बेड गीला नहीं किया है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। फिर मिस्टर हु जब आता है तो ग्रैंडमा बताती है कि शैनी को क्या फैमिली वाले ले गए, और मिस क्या बोल रही है कि शैनी उसकी बेटी है, पर मुझे वो मिस क्या ठीक नहीं लगती। मिस्टर हु तुम ही वहाँ जाके देखो क्या हो रहा है। फिर मिसकिया और उसका हस्बैंड शैनी को लेके आ रहे थे, और मिसकिया उसके सामने रैन की तारीफ करने लगती है कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है, उसके टीचर आने वाले हैं उसे सिखाने के लिए, पर तुम उसे अपना कंपेयर मत करना, तुम कहाँ और वो कहाँ। मिसकिया के हस्बैंड कहते हैं इसे मत समझाओ ये विलेज गर्ल है, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। शैनी सोचती है इन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं फेमस पियानो मास्टर हूँ, और कहती है तुम लोगों को एक बात बता दूं मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई हूँ डीएनए टेस्ट के लिए। मिस क्या कहती है डीएनए टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, मुझे पता है तुम ही हमारी खोई हुई बेटी हो। नहीं कहती है पर आप इतने डर क्यों रही हो। मिस्टर क्या के हस्बैंड कहते हैं होगी एक बार डीएनए टेस्ट करा लेंगे। शैनी कहती है डीएनए टेस्ट मैं करवाऊंगी, तो मिस क्या रोने का नाटक करने लगती है कि हमें तो तेरी बहुत चिंता हो रही है, और फिर उसे हेयर्स देती है डीएनए टेस्ट के लिए। फिर मिस क्या कहती है जाओ जाकर खाना बनाओ। शैनी कहती है मैं खाना क्यों बनाऊं, तो कहती है तुम जैसी विलेज गर्ल को तो हमारे घर का अच्छा खाना कभी देखा भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ वही बहुत है, जाकर खाना बनाओ। शैनी कहती है ओके मैं खाना बनाकर लाती हूँ, पर मुझे खाने में चूहा मार दवाई मिलाने की आदत है, अगर तुम्हें मौत से डरना लगता हो तो मैं बना लाती हूँ। मिस क्या कहती है ओके मत बनाओ। तभी वहाँ पर मिस क्या के हस्बैंड और रहना चाहती है, तो वो सब लोग मिलकर शैनी को उल्टा सीधा बोलने लगे थे। शैनी गुस्से से मिस क्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं बस यहाँ डीएनए टेस्ट कराने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग कुछ भी बकोगे। तभी वहाँ पर रैन का पियानो टीचर आता है और पियानो बजाने लगा था, तो वो लोग तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा पियानो बजाता है, शैनी ने तो कभी पियानो देखा भी नहीं होगा। टीचर सोचता है इन लोगों को पता भी नहीं है मैंने जो भी म्यूजिक बजाया वो फेमस पियानो मास्टर का है, और जाने लगा था। शैनी कहती है दूसरों का म्यूजिक चुराना गलत बात है, और ऊपर से तुमने इसे इतना बेकार बजाया है। टीचर कहता है मुझ पे आरोप लगा रही तू है कौन। क्या होगा हस्बैंड कहते हैं बॉडीगार्ड इसे पकड़ लो, इसने टीचर की इंसल्ट की। बॉडीगार्ड जैसे टच करने वाला था शैनी उसे लात मार के गिरा देती है, तो वो डर जाते हैं। टीचर भागने लगा था पर शैनी उसका हाथ मोड़ देती है। तभी मिस्टर हु आता है शैनी तुम ठीक तो हो ना। मिस क्या होगा हस्बैंड कहता है मिस्टर हु ये मेरी गलती है, शैनी बचपन से विलेज में थी ना इसलिए इसे सही से डिसिप्लिन नहीं आता। मिस्टर हु कहता है मैं शैनी का हस्बैंड हूँ क्यों ना मैं तुम्हें सही से डिसिप्लिन सिखाऊं। और फिर शैनी को बताता है कि उस टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसने फेमस पियानो मास्टर का म्यूजिक चुराया था। वो
कहती है मुझसे नफरत नहीं करती। तो कहता है मिस क्या उसे, परेशान मत हो डीएनए टेस्ट का जो भी रिजल्ट हो तुम हमेशा मेरी वाइफ रहोगी, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। वो दोनों घर आ रहे थे, ग्रैंडमा कहती है ये देखो इनविटेशन कार्ड, तुम दोनों साथ में डेट पर जाना। तो मिस्टर वो उसे अपने साथ पार्टी में लाता है। शनी को पार्टी में देख सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि स्पेशल पियानो म्यूजिक पार्टी में तू कहाँ से आ गई, तुझे तो पियानो बिल्कुल बजाना भी नहीं आता होगा। शनी कहती है अच्छा, और जैसी पियानो बजाने लगती है सब लोग हैरान। मिस्टर वो के साथ मास्टर यैन आ रहा था और पियानो सुन भाग पड़ता है। मिस्टर वो कहता है मास्टर यैन को क्या हो गया, और मास्टर यैन भाग कर जा शनी के पैरों में गिर गया था। फाइनली फेमस पियानो मास्टर आप मुझे मिल गई। मिस्टर वो से दूर कर कहता है मेरी वाइफ से अपना हाथ हटा। सब लोग हैरान कि शनी मिस्टर वो की वाइफ है, तो मिस्टर उसे सबके सामने किस कर देता है। सोचती है ये पागल हो गया सबके सामने, उसे ले जाने लगा था। एक लड़की कहती है तो तुम फेमस पियानो मास्टर हो, क्या मुझे भी पियानो सिखा दोगी। शनी कहती है मैं सिखा तो देती पर तुमने विलेज वालों की बेइज्जती की है इसलिए तुम रिजेक्ट होती हो। यानी उस लड़की से कहता है अब से तुम्हारी चैन फैमिली के साथ हमारा कोऑपरेशन कैंसिल। शनी जैसे घर आती है मॉम कहती है तुम कितना थक गई होगी, वो टी उठाने वाली थी। गर्मा कहती रुको तुम फेमस पियानो मास्टर हो, तुम्हारे हाथ कितने प्रीशियस हैं, अगर गलती से जल गए तो। मिस्टर वो तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को टी पिला। मिस्टर वो शनी को पिलाने लगा था तो मॉम कहती रुक ये टी बहुत गर्म है इसे अच्छे से फूक मार के पिला। मिस्टर वो कहता आपको मेरी चिंता नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं तू तो बिजनेसमैन है तेरे हाथों की क्या जरूरत है। इधर शनी को फोन से पता चलता है कि मिस क्या उसे उसका डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं करा। तभी मेट बताती है कि क्या फैमिली वाले आपसे मिलने आए हैं। शनी बाहर आती है तो ग्रैंडमा उसे अपने पास बैठा लेती है। मिस क्या और उसका हस्बैंड कहता है चलो हमारे साथ घर चलो, आखिर तुम हमारी बेटी हो। शनी कहती है तुम लोगों ने जो मुझे डीएनए टेस्ट दिखाया था उसमें गड़बड़ है, मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। मिस क्या गुस्से में थी पर ग्रैंडमा और मिस्टर हो को देख रोने का नाटक करने लग जाती है कि तुम अपनी मॉम के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। शनी कहती है अपना रोने का ड्रामा बंद करो। मिस क्या उस पर गुस्सा दिखाने लगी थी तो मिस्टर हो मेट्स को बुला के उन दोनों को बाहर फिंकवा देता है। उन दोनों को बात करते हुए सिस्टर ने सुन लिया था तो वो मिस्टर हो को बता देता है और मिस्टर हो को भी पता चल जाता है कि वो दोनों फेक डीएनए टेस्ट लेके आए थे। मिस्टर हो को लगता है कि शनी सैड होगी कि वो उसके मॉम डैड नहीं है, तो कहता है अगर तुम सैड हो तो मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। वो कहती है क्या पक रहे हो, बट वो उसे पकड़ के कम्फर्ट करने लग जाता है। वो कहती क्या कर रहे हो, तो कहता है क्या फैमिली को मैंने ऐसे जाने दिया, इस बार नहीं छोड़ूंगा, और सोचने लग जाता है कि मैं शनी के रियल मॉम डैड को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो शनी की ग्रैंडमा से मिलने जाता है। ग्रैंडमा कहती है तुम कितने हैंडसम हो, मेरी एक ब्यूटीफुल ग्रैंडडॉटर है, क्या तुम उससे शादी करोगे। मिस्टर वो कहता है ग्रैंडमा भूल गई शनी की ऑलरेडी मुझसे शादी हो गई। सिस्टर कहता है मुझे लगता है इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तभी शनिया चाहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मैंने सोचा तुम अपनी ग्रैंडमा से मिली नहीं इसलिए उन्हें लेने आया था। हमारी ग्रैंडमा को क्या बीमारी है, मैं उन्हें ठीक कराने की कोशिश करूंगा। वो बताती है कि ग्रैंडमा को अल्जाइमर है, ये भूलने की बीमारी है, जल्दी से ठीक नहीं होती। वो दोनों ग्रैंडमा के साथ जा रहे थे, मिस बाय देख रही थी और कहती है तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई तो मैं तुझे खुश कैसे रहने दे सकती हूँ। मॉम आकर शनी से कहती है मैं स्पेशली तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आई थी पर ये बहुत खट्टी है, खाई भी नहीं जा रही। और शनी उठाकर खाने लगी थी तो कहती है नहीं ये तो बहुत टेस्टी लग रही है, सारी खाने लगती है जबकि मॉम हैरान थी कि इसे इतना खट्टा पसंद क्यों आ रहा है। नेक्स्ट डे शनी सो रही थी तो मिरेकल डॉक्टर कहता है तुम दिन में सो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। शनी कहती है पता नहीं क्या हो गया बहुत नींद आने लगी है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। मिरेकल डॉक्टर कहता है हो सकता तुम प्रेग्नेंट हो। शनी सोचती है कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी शनी को फोन आता है तेरी ग्रैंडमा मेरे कब्जे में है, तो वो भाग के जाने लगती है। असिस्टेंट मिस्टर को फोन कर बता देता है कि शनी कहीं गई है। शनी के साथ मिरेकल डॉक्टर भी था और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो मैं देख लूंगा, बट वो कहती नहीं तुम बाहर हो इसे मुझे देखना होगा। मिस पाय ने ग्रैंडमा की गर्दन पे चाकू रख रखा था, ग्रैंडमा डर रही थी। शनी कहती है ग्रैंडमा डरो मत ये बस एक गेम है। मिस पाय कहती है ये कोई गेम नहीं है, तू इसमें सच में मरेगी, चाकू उठा और खुद के पेट में मार ले। बट शनी को अपने बेबी की चिंता हो रही थी, वो फिर भी चाकू उठा लेती है। मिस पाय कहती है जल्दी कर तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई है वरना मैं इस बुढ़िया को मार दूंगी। शनी मिस पाय का चाकू छीन के ग्रैंडमा को बचा लेती है। मिस पाय उसके चाकू मारने वाली थी तभी मिस्टर वो आ गया चाहता है, चाकू उसके हाथ पे लग गया था। मिस पाय कहती है तुमने इसके लिए चाकू खाया, क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो। होने लग जाती है। मिरेकल डॉक्टर मिस्टर वो के पट्टी बांध रहा था हाथ पे। मॉम कहती है देखा शनी तेरी कितनी केयर करती है, तेरे थोड़ी चोट लगी है उसने मिरेकल डॉक्टर को बुला लिया। वो कहता सही कहा मैं भी उसके पास जाता हूँ। जब डॉक्टर शनी को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी सही सलामत है और तुम्हारे ट्विंस हैं, शनी सोचती है मुझे तो लगा था उसका सिस्टम खराब है, ये सच में ट्विंस ही है। डॉक्टर कहती है हाँ मैंने पूरे अच्छे से चेकअप किया है।
तभी मिस्टर वॉकर कहता है, क्या हुआ मेरी वाइफ को, कौन सी बीमारी है इसे, हमारे पेट में क्या है, ट्यूमर है कोई? बट डॉक्टर बताती है कि ट्यूमर नहीं, बेबी, तुम्हारी वाइफ ट्विन से प्रेग्नेंट है। मिस्टर को खुश होकर उसे हक कर लेता है और शनि भी खुश थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।